वोटिंग हो रही है, वोटिंग वोटिंग हो रही है, वोटिंग। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं मले डैम, जो कि है सतबरवा पलामू में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हमारे साथ ब्लॉग में आने वाले हैं सैयद रेहान ब्लॉग, जो कि है गढ़वा से। तो काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आज देखिएगा तो जान लीजिएगा। तो हम उन्हीं के साथ जाने वाले हैं सतबरवा डैम यानी मले डैम, और वहाँ पर पूरा आपको विजिट करवाएंगे कि कैसा डैम है, क्या नज़ारा है वहाँ का, कैसा दिखता है पूरा। तो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, मिलते हैं वीडियो के आगे। तो गाइस, अभी हम लोग सतबरवा से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और यहाँ से डैम लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। एंड यार, फेस का पूरा एकदम आगे खराब हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। एंड इनसे मिलिए भाई, इनको तो आप जानते ही होंगे। हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब मौका दिया जा रहा है। अच्छा, तो फाइनली गाइस, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं साथ में और निकलेंगे अभी सतबरवा डैम, उसका टूर कराएंगे और इधर वो भी पूरा सिनेमेटिक तरीके से, और उसमें भी भाई एक स्टोरी टेलिंग होगा, और आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। चलिए चलते हैं डैम पास। तो अब हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। A few moments later. साहब, यहाँ पे है माइंस, और ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नजारा है। वाह, मजा आ गया भाई ये व्यू देख के। अब सतबरवा डैम जाए ना जाए, पैसा वसूल है, लेकिन मजा आ गया ये व्यू देख के। ये इधर है माइंस, और हम लोग फाइनली आ चुके हैं सतबरवा डैम। ये रहा सतबरवा डैम, और कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ आकर नहीं, तुमको कैसा लगा रास्ता? तो भाई वीडियो शूट ये देखिए। चलिए कुछ देर में चलेंगे ये सतबरवा डैम के अंदर, आपको वहाँ का नजारा दिखाएंगे, क्योंकि काफी भुलाते भटकाते पहुँच चुके हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं सतबरवा डैम, और देख सकते हैं यहाँ पे आपका है फास्ट फूड का दुकान, और ये कुछ इस टाइप का व्यू, यहाँ पे गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है, दुकान है, और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए बनाया गया है। अब हम लोग उधर चलेंगे, ये रहा आइलैंड सतबरवा का, और ये हम लोग उधर चलेंगे, उधर से पूरा एक बार आप लोगों को दिखा देंगे, फिर उसके बाद बोटिंग के थ्रू आप लोग को नीचे से व्यू दिखाएंगे, है ना? जी जी, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ का मौसम अच्छा है ना? थोड़ा वेदर, हाँ बहुत अच्छा वेदर है, अभी आप देख सकते हैं जैसा कि, और आप इधर से कुछ व्यू देख सकते हैं, उधर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, और ये है भाई साहब। सो यह जगह पलामू के सतबरवा में स्थित है, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ का साफ वातावरण और साफ पानी और आपकी चारों तरफ हरियाली, आपको देखते ही आपका सारा थकान दूर हो जाएगा। यहाँ की पानी इतना साफ है कि आप इस पानी में अपनी परछाई भी देख सकते हैं। यहाँ के लोगों के लिए इस डैम का पानी एक मुख्य जल स्रोत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस है यहाँ का पिकनिक स्पॉट, जहाँ पे दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं,
तो कोई प्राकृतिक सुंदरता का व्यू देखने के लिए आता है, तो कोई घूमने के लिए। सो हर एक डैम, हर एक बांध और हर एक जहाँ पे जल का संरक्षण किया जाता है, वैसी जगहों पे एक पुल टाइप से होता है जहाँ से पानी गिरता है, एक बांध टाइप से होता है। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं वहीं पे और भाई साहब यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है। और इसी दृश्य को देखते हुए हम जा रहे हैं उसी जगह पे कि क्या वहाँ पे पानी आ रहा है या नहीं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आगे दिखाते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है, तो आप उस कश्ती पे सवार होकर सवारी कर सकते हैं और यहाँ के अनुभव का आनंद ले सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा अनुभव हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा घूमने के बाद। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड जो है पानी नहीं आया, मतलब इतना पानी ही नहीं आया यह आइलैंड में कि इधर का बहाव चालू हो सके। तो ये पूरा सूखा हुआ है और बाकी व्यू आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से। और ये रहा भाई डैम आइलैंड लामू का। काफ़ी अच्छा जगह है। A few moments later. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए, क्योंकि ये जो आइलैंड है इसके चारों तरफ बोटिंग करेंगे हम लोग तीनों और इंजॉय करेंगे और आप लोग भी साथ में इंजॉय करिए। चलिए चलते हैं, मोटर वाला बोट को लेंगे क्योंकि पैंडल वाला में बहुत तकलीफ होता है और इतना होगा नहीं इसके वजह से। ये देख सकते हैं जा रहे हैं बोटिंग करेंगे, यहाँ पर भाई बोटिंग का भी सिस्टम है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं बोट के, ये रहा बोटिंग सिस्टम। अरे यहाँ से पूरा घूमेंगे ये आइलैंड है ना। फुल हो गया भाई हमारा बोट स्टार्ट हो गया भाई बोटिंग। हमारा बोटिंग हो चुका है कंप्लीट और देख सकते हैं कितने लोग की भीड़ थी और मज़ा आ गया बोटिंग करके। आप लोग अगर आते हैं मलय डैम या सतबरवा डैम, मतलब दोनों एक ही डैम है, आप अगर आप लोग आते हैं घूमने तो बोटिंग ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, पैसा वसूल है भाई साहब। सो गाइज फाइनली ये पूरा सतबरवा डैम आप लोग को घुमाएं, जितना था वीडियो में सारा कुछ दिखाएं और भाई बोटिंग वगैरह भी किए। अगर आप लोग भी आते हैं सतबरवा डैम तो बोटिंग वगैरह कीजिए और घूमिए, पूरा आनंद लीजिए। अभी तो उस साइड पानी नहीं है लेकिन जितना है उतना में बहुत अच्छा दिख रहा है और ये आइलैंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।